हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से स्वागत है एक नया वीडियो में। मैं हूँ जीडी ब्लॉग और स्वागत है। आज मैं कुछ खास तरह का एक वीडियो लेके आया हूँ आप लोग के लिए। आप लोग देख सकते हो मेरे सामने में क्या है। तो ये है मोमो। अभी मोमो बन रहा है। यहाँ पे है आपका लहसुन प्याज गोभी मतलब कैबेज और चिकन, इसको मिक्स करके पूरा चटनी बनाया है हम लोग ने स्पेशली। और यहाँ पे छोटे छोटे लड्डू जैसा आटा गूंद रहे हैं। ये छोटी बहन इसको अच्छा से ये कर रहे हैं। और मेरा साथ है मेरा नानी का बेटी, बहुत सुंदर है। ये खुद का चेहरा को छुपा रही है, बाद में दिखा देगा, दोनों बड़े मेकअप करने देगा पहले। तो फिलहाल तो ये मोमो अच्छा से बन रहे हैं और यहाँ पे इधर बन भी रहे हैं। काफ़ी देरी हो चुका है एक्चुअली। मुझे सुबह को कॉल किया था, पर मैं क्लास में था और रूम गया था तो हल्का सा लेट हो गया। आते आते देखा तो यहाँ में बहुत कुछ तैयार हो चुका था। इवेंट तो अभी आ चुका था। आप लोगों को सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दो, मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आया। और मौसम भी आज का बहुत ही मज़ा है, बारिश दे रहे थे। और ये मोमो खाने में, बारिश और मोमो में मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कैसे होगा। तो फिलहाल ऐसे मेरे वीडियो पर बने रहना और टिल देन तो देख सकते हो ये कितना खूबसूरत लग रहा है देखे। और इसका स्मेल भी काफ़ी मज़ा है। सूप सूप क्या बन रहा है सूप? एक्चुअली दोस्तों मुझे थोड़ा आइडिया नहीं आ रहा क्योंकि मैं थोड़ा लेट से आया हूँ ना, क्योंकि मैं मिस्टर लेट हूँ। देखो ये ऐसा नहीं लग रहा क्या मार्बल? आप लोग अगर बचपन में मार्बल खेले तो जरूर इसको उसका इसको ये याद दिला रहे। थोड़ा सा हाथ कटा था, मुझे तो रसगुल्ला ऐसा भी दिख रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत है। तो दोस्तों अभी मुझे काम मिला है, हमें मतलब बन रहे वैसे तो। अभी इसको गिन के देखता हूँ कितना हो गया ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 बड़ा मुश्किल है, कौन भी सोता है। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 कैसे तुम उल्टा उल्टा? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 37, 38, 39, 37, 38, 39, 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
तो जुड़ेगा कि नहीं गाइस, क्या लगता है जुड़ेगा? अगर जुड़ेगा सोच रहे हैं प्लीज, जो जो सोच रहे जुड़ेगा और नहीं जुड़ेगा कमेंट करके बता दो मेरे को, देखते हैं आप लोग और लास्ट तक बने रहना और सोच कमेंट में देखना मतलब। तो हम लोग का मोमो को कैसे ढाल रहे हैं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही छोटा हो गया तो हम लोग ज़्यादा नहीं छः छः करके ढाल रहे। देखियो देखियो वो ये तीन साइड में तीन और बीच में तीन, अभी इसको हम लोग करेंगे यहाँ पे ढालेंगे। आए कहाँ अभी कौन सा हाथ से हटा हटा होता, अभी यहाँ इसका ऊपर डालेंगे और यहाँ में भी तो पक रहे हैं अभी तक नहीं हुए। और ये मोमो सूप तो नहीं है, ये मोमो सूप अभी तक बना नहीं है तो गलती हो गया मुझसे। तो फिलहाल तो ये पूरा बन चुका है, चटनी खत्म हो गया और हम लोग पास थोड़ा एक्स्ट्रा रह गया, अभी सोचा इसका कुछ इंतजाम करेंगे। पूरी बनेगा, पूरी बनाओ, दो तो निकलेगा वहाँ से, चार निकलेगा तो तू नहीं खाओ इसको पराठा। अच्छा ठीक है, लोकल पराठा खाएंगे। अच्छा और ये भी फटाफट बन रहे हैं, क्या के लिए दारू पिए क्या? अभी बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, सब कुछ तो ख़त्म हो गया, इसको बस स्टीम करना बाकी रह गया है और ये स्टीम होते फिर आप लोगों को दिखाऊंगा, मतलब सबको अभी एक साथ करके दिखाऊंगा, नहीं तो फिर वीडियो बहुत भरा जाएगा, आप लोग को ही बोरिंग फील होगा, ये लड़का वो मीनिंगलेस लंबा लंबा वीडियो बनाता सोचते हो गया ये लोग तो सोचता है इसीलिए बोलता भी है कोई 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 नहीं। ये फिलहाल हम लोग चटनी बनाने के लिए
लहसुन चिल्ली सॉल्ट और ये डाल के अभी इसको ग्राइंड करेंगे, अच्छा से चटनी बनाएंगे और उसको चटनी का साथ मस्त से खाएंगे। तिल लेने से ही बने रहना मेरे वीडियो पे। फिलहाल हो गया है हम लोग का चटनी रेडी, अभी आप लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ। लेट्स गो, इसका ढक्कन को हटा कर देखते हैं। एंड वाओ, देखिए इतना अच्छा लग रहा है ना, काफी सुंदर हो गया, कलर भी बहुत मस्त आया है। और तो देखिए धीरे धीरे कलेक्शन बढ़ते जा रहे हैं, स्टीम करने वाला अभी, और थोड़ा सा वेट करने से सब कुछ हो जाएगा। ये और मतलब मेरा मुंह से अभी से पानी आ रहा है, कब खाने मिलेगा सोच रहा हूँ मैं तो। इतना सारा और बाकी है, फटाफट इसको भी स्टीम करेंगे एंड देन इसको एकदम खाने के लिए। और ज़्यादा इंतज़ार नहीं होगा मुझसे, मतलब इंतज़ार करने का राहत नहीं हो रहा है, तो सब खाने का मन कर रहा है बहुत जल्दी। तो ऐसे ही बने वीडियो पे बने गाइस, ये लास्ट है अभी, मतलब और ये अभी ये तीनों में एडजस्ट हो जाएगा, अभी लास्ट होगा। और ज़्यादा इंतज़ार आप लोगों को भी नहीं कराऊंगा, आप लोग को देख के मज़ा आ रहा होगा, मतलब कब खाने मिलेगा सोच रहा होगा आप लोग भी ना। एक दिन अगर मैं अच्छा खासा आप लोग का प्यार से ऐसे बरसाते रहने से मैं आप लोग को भी जरूर बुलाऊंगा, खिलाऊंगा, खुद से बना के खिलाऊंगा उसमें। आज मैंने देख लिया, थोड़ा थोड़ा सीख लिया और सीखना बाकी है, उसमें बना के सीखूंगा नेक्स्ट टाइम तो। और ये जो बचा था ना, एक स्पेशली मतलब मोमो का चटनी ख़त्म हो गया तो बच गया था, तो उसी का ये पूरी बनाया है, इसको भी अभी मैं खाऊंगा। ये मेरे लिए बना दिया बोलते हैं तो, सुबह सुबह ऑयली है, पानी पीना पड़ेगा बहुत ज़्यादा ऑयली है। अगर आप लोग ना गैस्ट्रिक वगैरह होने से ऐसा मत खाना है। तो देखिए हम लोग सब लोग प्लेट में निकल रहे हैं, तो एक्चुअली मतलब चैलेंज का लाइक का नहीं होगा क्योंकि हम लोग को शेयर करके खाना भी एक्चुअली आदमी भी बहुत ज़्यादा है, तो लेट्स सी। लेकिन मैं कोशिश करेंगे जितना हो सकता है। मेरा तो पूरा निकाल ही रहे तो रहे, तो तुम अच्छे से निकलो, ये फट रहे। पहले हमको गाली दे रहा था फटने से, क्या क्या बोल रहा था, अभी खुद फटा रहे। कितना हो गया मेरा, 1 2 3 ज्यादा नहीं लगा, 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, अभी 2 पीस बचा है। चटनी दे दिया दो। तो ये जो है ना, ये जो स्पेशली मेरे लिए बनाया है, तो इसको तो मैं खाने वाला हूँ। वाह, देख सकते हो मेरा साथ है मोमो और ये पूरी फ्राई, परोठा फ्राई क्या बोलेगा, जो भी बोलेगा, पूरी फ्राई बोलेगा, परोठा फ्राई। गाइस देख के कैसे लग रहा है आप लोग को, और स्पेशली ये इसका साथ, और मौसम को भी देखिए ना, मौसम इतना बारिश सा है, वाह मतलब देख रहे हो, और ये साथ में क्या ही मज़ा आएगा, वाह। मतलब बारिश का मौसम में ये खाने में, और क्या ही मौसम को तो वैसे भी आपको दिखाई देगा। और लेट्स सी, चलो तो अभी मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ, टेस्ट करके देखते हैं कैसे होते, टेस्ट करते हैं। और ये पहला, सबसे पहला राज मिर्चा में ज़्यादा खाता हूँ तो मिर्चा थोड़ा झाल है, इसलिए मैं झाल पसंद है, मैं कम थी थोड़ा नमक कम खाता हूँ। तो रेस्टोरेंट में खाना और घर में खाना तो बहुत डिफरेंस होता है वैसे भी। मजा आ रहा है, खा कर दे, अपना सगा छुपा रहा है मालूम नहीं। गाइस मैं अकेला रह गया, क्या इधर दिखा रहा है मैं, हाँ हम इधर दिखा रहा है, क्या मजा आ गया। तो इतना है मेरा पास, अभी इसको मैं खाऊंगा अकेला,
कोई चैलेंज नहीं होगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करना चाहता हूँ, और ये आज का मोमो रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके बोल दीजिए प्लीज़। और हाँ, जो लोग भी अभी भी नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। आप लोगों का प्यार से मुझे हिम्मत मिलता है, और ऐसे ही मेरा वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा देना। टिल देन कीप वॉचिंग और